अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम आपको पाकिस्तानी मशहूर ड्रामा रोमियो विद सीरीज के बारे में बताएंगे। हीर और रोमियो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दोनों ही ज़हीन नटखट होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी मसरूफ़ रहते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। हीर की मंगनी उसके घर वाले एक पेंडू से दुबई पलट जैदी से ज़बरदस्ती कर देते हैं। हीर को ये रिश्ता पसंद नहीं आता, मगर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होता। वो घर से भागने का इरादा करती है और अचानक गायब हो जाती है। तलाश करने पर अस्पताल में बेहोश मिलती है, सर पर गहरी चोट होती है। रोमियो जो बज़ाहिर उसे लापरवाह नज़र आता है, लेकिन वही उसके लिए मसीहा बनकर रहता है और उसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त करता है। ये ठीक होकर घर आ जाती है। हीर को जब ये पता चलता है उसकी मदद रोमियो ने की थी, तो उसके दिल में रोमियो के लिए नरम कोशा पैदा हो जाता है। उधर रोमियो के घर वाले भी रोमियो का रिश्ता तय कर देते हैं। रोमियो को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, मगर जब उसको पता चलता है तो वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। रोमियो के बाप को मजबूर किया जाता है कि वो जाकर शानजे के बाप से रिश्ते से इनकार कर दे, मगर वह नहीं कर पाता। दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। तंग आकर रोमियो और शानजे खुद ही हिम्मत करके बाप के पास जाते हैं, शादी से इनकार कर देते हैं। शानजे का बाप पहले हैरान होता है, परेशान होता है कि क्या जवाब दे, लेकिन फिर वह बच्चों की खुशी में खुश हो जाता है। रोमियो की माँ अपने शौहर से कहती है, तुमने अपनी मर्जी कर ली, रोमियो की मंगनी तो तोड़वा दी, मगर तुम्हारी बहन भी इस घर में नहीं आएगी और तुम्हारा तबादला भी तुम्हारे सार कहीं दूर दराज इलाके में कर देंगे। ही रोमियो के मंगनी तोड़ने के तरीके से खुश भी होती है और मुतासर भी, और उसे दरख्वास्त करती है कि मेरी मंगनी भी तोड़वा दो। रोमियो की माँ शानजे के लिए बाप रानी के लिए रोमियो को मनाना चाहता है, मगर रोमियो ख्वाब की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो खुद को रांझा और हीर को हीर के रूप में देखता है, कभी खुद को रोमियो और हीर को जूलियट के देखता है। सब दोस्त मिलकर जैदी को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हीर को तो छूत की बीमारी है, तुम्हें भी हो जाएगी, तुम भी मारे जाओगे, हीर तो चंद दिन की मेहमान है। जैदी घर आके मंगनी से इनकार करता है। उसकी माँ उसको समझाती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन वह कहता है मुझे हीर के टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई जाए। हीर उसको जाली रिपोर्ट बनाकर दिखा देती है, अब ये देखने के लिए क्या हीर उसके दोस्त मिलकर जैदी से हीर का पीछा छुड़वा देंगे, क्या उसकी रिपोर्ट उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी। खुद रोमियो शांत से पीछा छुड़ाते छुड़ाते कहीं रानिया से तो नहीं बन गया। देखिए एपिसोड 11। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी।